गोरखपुर, आज के परिवेश में पुरानी विरासत को संभाल कर रखना महिलाओं का विशेष उत्तरदायित्व हो गया है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्नेहिल नारी संस्थान की बहनों ने पूरे साज श्रृंगार मेहंदी, हरी बुढ़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी के साथ झमाझम कजरी का आनंद उठाया। कार्यक्रम का प्रारंभ अध्यक्षा रंजना सिन्हा ने अतिथियों का माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षा ने कहा कि आज के इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हम अपनी पुराने सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। इसी विरासत से अपने आप को जोड़े रखने के लिए हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। कार्यक्रम में बहनों ने गणेश वंदना, भोले भजन तथा सावनी गीत, कजरी आदि गीतों की प्रस्तुति दी तथा नृत्य भी पेश किया। सभी बहनें नृत्य और गीतों का भव्यभोर होकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में सावन क्वीन की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों को एक एक पौधा देकर उनके माध्यम से समाज को ये बताने का प्रयास किया गया कि विश्व में बढ़ती जलवायु असमानता का जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाकर पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इस अवसर पर अतिथियों में डॉक्टर सत्या पांडेय, श्रीमती उज्ज्वला चौधरी, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियका पाठक, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, डॉक्टर किरण, संस्थापिका विमला श्रीवास्तव, पुष्पा वर्मा, रेखा गौड़, अध्यक्षा रंजना सिन्हा, सुमन, अरुणा, माधवी, उर्मिला मधु, मीरा, शीला, पद्मा, अर्चना, लक्ष्मी, रोना, नीलिमा, प्रीति, जयत, नीलम, वंदना, मीना, रूबी, लक्ष्मी, मंजू, निशा, रचना, नीता, पूनम तथा सीमा पांडे उपस्थित रहीं। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी, हमारी स्नेहिल नारी संस्थान जो है वो धरातल पर काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी काम करती है। प्रत्येक सावन मास में ये जो नागपंचमी के बाद हम लोग एक कजरी का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें अपने पारंपरिक गीतों को के द्वारा हम लोग जो है कजरी उत्सव को मनाते हैं। और इस समय जैसे पर्यावरण के लिए भी इसमें हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमारे जितने भी अतिथि आए हैं सबको एक एक पौधे देकर हम लोग उनसे उनके माध्यम से ये समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग कम से कम एक पौधा लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। नई पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ाएगी ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं। बाकी जैसे हम लोग अपने पुराने लोगों से सीख करके ही ये कार्यक्रम सब आगे उसी तरह से कर रहे हैं, वैसे ही हमारे आगे की पीढ़ी भी हम लोगों से सीख करके आगे करती रहेगी ये सब। बाकी हम लोग तो हैं ही। सीमा पांडे। अरे रंगारंग हरियाली सावन चल रहा है, आपको सभी को पता है सावन के मौके पे हम लोग हर साल यहाँ मनाते हैं सावन का कार्यक्रम। और सभी अपने लोग जो है आजकल तो भाग दौड़ की जिंदगी में सब लोग भूलते ही जा रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, तो किसी तरह हम लोग समय का उपयोग करते हैं और उसमें अपने संस्था के सभी बहनों को और विशेष अतिथियों को भी बुला के यहाँ पर आयोजन किया जाता है। सावन की कजरी होती है, सावन के गीत होते हैं, बहनों का सब एक दूसरे से आदान प्रदान होता है गान। संस्था 13 साल हो गया, 13 साल 12 साल हो गया, 13वां चल रहा है, 13 साल हो गया, 12 साल। हाँ, तो अब इसके बाद एनुअल फंक्शन अगले महीने में है, उसमें होता है एनुअल फंक्शन होता है, उसमें वार्षिक कार्यक्रम है। और बताइए, आज का कार्यक्रम तो बताया कि सावन का गीत होता है, कजरी होता है, झमाझम, नाम ही झमाझम कजरी है। पुष्पा वर्मा, मेरा रंजना सिन्हा। पिछले आप 13 वर्षों से क्या क्या कार्यक्रम करते हैं और क्या लेंगे संस्थापिका
देखिए हम लोग सामाजिक कार्य तो मेरा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ साथ सांस्कृतिक और मनोरंजन का काम भी हम लोग करते हैं। और भारत की जो परंपराएं हैं, जैसे सावन में कजरी की परंपरा है हमारे देश में, गाया जाता है, झूला पड़ता है, औरतें झूला झूलती हैं, तो उस परंपरा को जीवंत रखने के लिए हम लोग ये झमाझम कजरी का आयोजन करते हैं, जिसमें सावन कजरी के गीत नृत्य महिलाओं के द्वारा संस्था के प्रस्तुत किया जाता है, ताकि ये जो जीवंत रह सके, जो हमारी परंपरा है कजरी की, सावन के गीतों की, वो जीवंत रह सके और आगे इस परंपरा को आने वाली पीढ़ी जो हम लोगों के इस कार्यक्रम से जुड़ी है, देख रही है, वो इसको और आगे बढ़ाती रहे, ताकि हमारा सनातन और हमारी परंपराएं हमेशा जीवंत रहे। अभी तक तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते दिया, नई सारे त्योहार मिलकर मनाएंगे, नई पीढ़ी भी ये सारे कार्यक्रम करेगी, नई पीढ़ी जो नई मेंबर्स मेरी बन रही हैं, उनको भी हम लोग यही सब ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे इन परंपराओं को बढ़ाना है, ताकि समाज से हमारी ये परंपरा कजरी गाने की या सावन की या झूले की ये विलुप्त ना होने पाए। पुष्पा वर्मा,